أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات بيتهم حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا عنوان حسین ہے اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین وارث آدم, لہذا آدمیت کا فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو حسینیت کے سہارے سمجھ میں آئے گا, ورنہ اس شکل و صورت کے بنے ہوئے کو آدمی نہ کہیے گا. جو اس شکل کا ہو, دو آنکھیں دو کان دو پیروں پر چلنے والا, ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی ہو. دنیا میں جس کو آپ دیکھیں یقین مانیے کہ اسی کو دیکھا. جتنے مخلوق ہیں دنیا میں جس کو آپ دیکھیں یقین مانیے کہ اسی کو دیکھا. ذرا بہت توجہ سنیے گا میری طرف میری بات, اس لیے کہ میں اب تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا. بالکل جو کچھ پڑھنا ہے وہی پڑھوں گا. اس شکل و صورت کو, یہ اسٹرکچر, یہ باڈی, اس طرح کا جو ہوتا ہے جس کو آدمی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں, اس کو دیکھ کے کبھی اس دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ یہ آدمی ہے. ہاں, دنیا میں جس کو دیکھیے سمجھیے اسی کو دیکھا. اگر شیر دکھائی دے تو وہ شیر ہے, اگر سانپ دکھائی دے تو وہ سانپ ہے, اگر کبوتر کو دیکھیے تو وہ یقین مانیے کبوتر ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. اور مثلا اگر ہاتھی کو دیکھیے تو وہ ہاتھی ہے, اونٹ کو دیکھیے تو وہ اونٹ ہے, سمندر کو دیکھیے تو یقین مانیے وہ سمندر ہے, پہاڑ کو دیکھیے تو یقین کر لیجئے وہ پہاڑ ہے. اور فرمایا اور ہر چیز کے خاصیتیں معین ہیں, خصلتیں معین ہیں, مزاج معین ہے. پہاڑ سے آدمی کو کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں, کیا کیا خطرے ہیں معلوم ہے. سمندر سے آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور کیا کیا خطرناک ہے سمندر میں معلوم ہے. شیر کا مزاج کیسا ہے سب کو معلوم ہے. سانپ کی خصلتیں کیا ہیں سب کو معلوم ہے. کبوتر کیسا انوسنٹ جانور ہوتا ہے سب جانتے ہیں. مور کیا چیز ہے سب کو معلوم ہے.
कौन जानवर किस चीज के काम आते हैं, कौन से दरख्तों में कौन से फल निकलते हैं, आम का टेस्ट कैसा होता है, इमली का टेस्ट कैसा होता है, सेब क्या चीज है, अनार क्या चीज है, अंगूर क्या चीज है, नीम क्या चीज है, पीपल क्या चीज है, सबको मालूम है। और हमारा आपने हर चीज की खासियतें दुनिया में जितने मखलूक हैं मुअय्यन हैं, नहीं मुअय्यन है तो आदमी की खासियत। इसके लिए तय नहीं है कि ये क्या है। खुदा जाने ये सांप से ज्यादा जहरीला हो, खुदा जाने ये शेर से ज्यादा दरिंदा हो, खुदा जाने ये कबूतर से ज्यादा इनोसेंट हो, खुदा जाने ये समंदर से ज्यादा गहरा हो, खुदा जाने ये पहाड़ से ज्यादा ऊंचा हो, इसकी कोई हद नहीं मालूम कि क्या है। नेकी पर आए तो शहरों को गुलशन बना दे, बदी पर आए तो दुनिया में आग लगाता चला जाए, खैर पर आए तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां इसकी जात से दूर में आए, शर पर आए तो बुराइयां खुद कांप के इससे पनाह मांगने लगे। मालूम ही नहीं ये क्या चीज है, इसकी कोई इंतहा ही नहीं मालूम कि ये क्या है। ये आदमी जो है इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है ये नहीं मालूम। दुनिया में हर एक चीज की ताकत का अंदाजा है। हवाई जहाज, बड़े से बड़ा जहाज जो आजकल चलता है जम्बू जेट बोइंग 474, तो वो भी जनाब वाला उसके भी अंजनों में कितनी ताकत है जो 500 से ज्यादा आदमियों लगेज को लेकर उड़ता है, 30,000 फीट और 35,000 फीट की हाइट पर चलता है। या वो रेल के अंजन जो 21-21 बोगियों का लोड लेकर घसीटते हैं और दौड़ते हैं, उनकी ताकत मालूम है। इतने हजार हार्स पावर, इतने हजार हार्स पावर या और जो ताकत नापने के पैमाने हैं, इंसान का नहीं पता कितने बिलियन हार्स पावर का है, कोई हिसाब किताब ही नहीं इसका बनता कि ये क्या है। फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक, फौलाद के जिगर से ज्यादा सख्त, न जाने ये क्या चीज है। हर यानी सर्दी की रात में, यहां तो बंबई में सर्दी तेज होती नहीं, हम लोगों की तरफ तेज होती है, सर्दी की रात में आप रात भर देखिए, रात भर चमेली या गुलाब का फूल आसमान के नीचे खिला रहेगा, और सवेरे जाके देखिए तो उसके चेहरे पर शबनम के मोती बिखरे होंगे और खूबसूरत लग रहा होगा। लेकिन इंसान को रात भर आप सर्दी की रात में, जो हमारे यहां दिसंबर जनवरी में सर्दी होती है, उसमें आप रात भर आसमान के नीचे लिटा दीजिए, सवेरे या इंतकाल हो चुका होगा या होने वाला होगा, या तो मरी में मिलेंगे वो, और या अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देंगे। मालमा बेले और चमेली और गुलाब के फूल से ज्यादा नाजुक और इतना कवि कि फौलाद के जिगर से ज्यादा कवि। समंदर को अपनी गहराई पनास था तो गहरे से गहरे समंदर की तह की मिट्टी ले आया, और पहाड़ को अपनी बुलंदी पनास था तो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाके झंडा लगा आया। कोई इसकी ताकत की इंतहा नहीं कि अल्लाह अकबर कितना कवि है यह इंसान। घोड़ा बहुत कवि जानवर है, उसको लगाम डाल के चला रहा है, ऊंट उससे बड़ा है उसको एक नकेल पर चला रहा है, हाथी उससे बड़ा है, न लगाम डालता है न नकेल डालता है, पैर के अंगूठे से हरकत देता है वो चलता है, वो मतलब किसी की बड़ाई को तस्लीम नहीं करता। नेकियां सब इसी की वजह से, बुराइयां सब इसी की वजह से, खैर इसी की वजह से, शर इसी की वजह से, जुल्म इसी की वजह से, अदल इसी की वजह से, रोशनी इसी की वजह से, अंधेरा इसी की वजह से, जन्नत के हर दरजे में इंसान, जहन्नम के हर तबके में इंसान, आला इल्लियीन में इंसान, असफलुस साफिलीन में इंसान, बदतरीन दर्जात में इंसान, आला तरीन दर्जात में इंसान, नमाज पढ़ाने वाला इंसान, नमाज पढ़ने वाला इंसान, जमात में आने वाला इंसान, जमात जब सज्जे में जाए तो जूतियां लेके गायब हो जाने वाला इंसान। जी, जज इंसान, वकील इंसान, कातिल इंसान, मकतूल इंसान, जितने इमामबाड़े बनाए सब इंसान ने, जितनी मस्जिदें बनाई सब इंसान ने, जितने यतीमखाने बनाए सब इंसान ने, जितने पुअर हाउस बनाए सब इंसान ने, जितनी चैरिटी की सब इंसान ने,
जितने अस्पताल और स्कूल खोले सब इंसान ने, जितना वक्त का माल खाया सब इंसान ने, जितनी गरीबों की जायदाद खाई सब इंसान ने, जितनी मस्जिदें बेची सब इंसान ने, जितने ट्रस्ट खाए सब इंसान ने। मालूम हुआ नेकियां भी इसी में और बुराइयां भी इसी में। यूं चलाओ तो जिब्राइल भी इसके साथ मिलकर न चल सका। एक मंजिल पर कहा अगर आगे बढ़ूं तो जल जाऊं, और अगर पस्तियों में गया तो इसका खालिक पुकार उठा कि ये तो चौपाएं हैं बल्कि उनसे भी बदतर। मालूम है कि पस्ती में जाए तो कोई इसकी हद नहीं और बुलंदी में जाए तो कोई इसकी हद नहीं। तो आदमी को समझिए कि आदमी क्या है। आदमी नस्ले आदम से है, आदमी नस्ले आदम से है मेरे दोस्तों। आदम के दो बेटे थे, एक काबिल एक हाबिल। तो विरासत जो चली वो दो तरह चली, काबिल की विरासत कातिलों को मिली, हाबिल की विरासत शहीदों को मिली। तो अब इंसान आज भी दुनिया में दो ढर्रों में बटे हुए हैं। बाद में ये दोनों बेटे आदम के दो अलामतें बन के सामने आए। यजीद अलामत काबिल बना, हुसैन अलामत हाबिल बने। सलावत पर मोहम्मद। तो अगर इंसानियत को समझना है, अगर आदमियत को समझना है, अगर अखलाक को समझना है तो हुसैन की पनाह में आओ। हुसैन बताएंगे कि विरासत आदम क्या है, हुसैन से समझो कि इंसानियत क्या है, हुसैन से समझो कि शराफत नफ्स क्या है। हुसैन वारिस आदम, हुसैन वारिस नूह। आदम से आदमियत चली तो नूह ने आन के हमको अज़्म व हिम्मत का सबक दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इन चंद दिनों में दिल में जज्बा बहुत कुछ है कि आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। विरासत नूह और नूह की सिफत खास जो है वो उनका आज़म बयान किया जाता है, जो बातिल के मुकाबले में बड़े हौसले के साथ अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे, नेकियां बता रहे थे, खैर बता रहे थे, सच्चाई बता रहे थे, हक की अहमियत बता रहे थे, नेकियों का वजन बता रहे थे। कौम झुटलाती जाती है, नूह तबलीग करते जाते हैं। कौम मुखालिफत करती जाती है, नूह अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे जाते हैं। हुसैन वारिस नूह। अगर दुनिया को आजम का सबक पढ़ना है, अगर दुनिया को हौसला देखना है, अगर दुनिया को वलवला देखना है तो कहीं और न जाए, दरे हुसैन पर आए। हुसैन से हौसलों का सबक मिलेगा। दुनिया में हक को पहचानने वाले तो बहतरे होते हैं। जब मेरा जुमला तवज्जो सुनिएगा जहां जहां हजरात, दुनिया में हक को पहचानने वाले तो बहुतेरे होते हैं मगर हक को हक कहने वाले बहुत थोड़े होते हैं। दुनिया में हक को पहचानने वाले बहुतेरे होते हैं मगर अपने अंदर ये जज्बा नहीं रखते, अपने अंदर ये करेज नहीं रखते, अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं रखते कि हक को हक कह सकें। उनकी जात से कोई फायदा नहीं पहुंचता दुनिया को। हक को खाली पहचान लेना काफी नहीं है बल्कि हक को पहचान के हक को हक कहना चाहिए, बातिल को बातिल कहना चाहिए। यह अज़्म हौसला दुनिया में नहीं है। और दुनिया की तबाही का राज यह है कि इंसान यह सोच के निकल जाता है कि हमसे क्या मतलब, हम क्यों बुरे बने, फुला साहेब दौलत है हम क्यों उससे टकराएं, फुला साहेब इख्तदार है हम क्यों उससे दुश्मनी मोल लें, फुला के कब्जे में हुकूमत है हम उसका मुकाबला कहां करें, फुला के पास जथा है
हम उस जथे वाले के सामने कहां जाएं, हम खामोशी रहें तो बेहतर है। और यकीन मानिए ये सब के सब कयामत के दिन इस जुर्म में पकड़े जाएंगे कि तुमने हक छिपाया था। लाखों इंसान ऐसे होते हैं कि जो हक को पहचानते हैं, लेकिन मुश्किल से एक दो ऐसे निकलते हैं कि जो हक को हक कहते हैं। ये सही है या गलत है, ये दुरुस्त है या नादुरुस्त है, ये बात यूं होना चाहिए ये बात यूं होना चाहिए, ठीक है हम क्यों बोलें, हम क्यों बोलें, ये किस लालच में होता है? चार दिन की जिंदगी के लिए जो मौत से हमकनार होने वाली है, चार पैसों के लिए जो मीराज बन के बढ़ जाने वाले हैं, उस घर के लिए जो हमसे खाली होने वाला है और जहां से हमारी मैयत निकलने वाली है, उन औलादों के वास्ते जो हमारे मरने के बाद सूरह फातिहा से भी हमको याद न करें और भूल जाएं, उन वारिसों के वास्ते जो हमारी जायदाद पर नजर लगा के बैठ जाएं कि कब ये हटे और कब ये दौलत हमको मिले, उस दुनिया के वास्ते जिसका अंजाम फना है आदमी आखिरत को भूल जाए, और उस शैतान के वास्ते जो इंसान को जहन्नम में ले जाएगा उस अल्लाह को भूल जाए जिसने आपके लिए जन्नत बनाई। अजीजान गिरामी कभी सोचिए तो सही, इस दुनिया का अंजाम क्या है? हम सब मौत के मेहमान हैं, हम सब मौत के हाथों में रहन हैं। कितने थे गुज़श्ता साल जो आज इस साल इस मजलिस में नहीं है,